अरे जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरी बहन के निकाह के लिए अपना घर दिया जी, और आपने कल जरूर आने चाहती। ओके जी, खुदा हाफिज़। रूमी, मेरे बच्चे थक गई होगी ना, जाओ जाके आराम कर। चलो शाह जी। अम्मी, शांजे जी। अम्मी, ये क्या हरकत की तुमने? तुम जानती भी हो कि रूमी के मामले में मैं कितनी हसास हूँ, फिर भी तुमने मेरा दुपट्टा उसे उड़ा दिया। अम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। रूमी ने खुद जिद करके मुझे ये करने के लिए कहा था, और आपको पता है कि उसने आज तक मुझे कुछ कहा नहीं है, तो उसकी बात माननी पड़ी मुझे। अब मुझे क्या पता था कि उसकी खुशी की खातिर जो मैं कर रही हूँ उस पर मुझे ही बातें सुनने को मिल जाएंगी। अम्मी जी, ये सारी वहमी बातें आप खामखा वहम कर रही हैं, और माशाल्लाह से हमारी उम्मीद से बढ़ के ससुराल में रहे रूमी को, और अब देखिएगा आगे भी सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलें जाएं, जाके आराम करें। चलें चाहें। बेगम साहिबा, अम्मी की बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रूमी की रुखसती को लेकर थोड़ी सी वो सेंसिटिव हुई हुई है, दरगुजर कर दो। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। ये देखें, चलो जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं आ रहा हूं।